बिहार में बीते कुछ दिनों में मॉनसून कमजोर दिखाई दिया, लेकिन अब एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव होने की आसार दिखाई दे रहे हैं। बता दें चले हम आपको कि IMD के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया है, जहां बताया गया है कि 12 सितंबर से एक बार फिर से बिहार में मॉनसून एक्टिव होगा और मूसलाधार बारिश हो सकती है। 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के दौरान बिहार के कई सारे अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। IMD ने रिपोर्ट तैयार किया है, यानी कि 2 दिन लगातार बिहार में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है। आज और कल भी थोड़ी बहुत बारिश होगी और इसके लिए पहले से ही IMD के द्वारा सूचना दे दी गई है। आज कई ऐसे जगह जहां पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार के तमाम हिस्सों में तो नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं हल्की बहुत बारिश होने वाली है। हम आपको IMD की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कल का ये रिपोर्ट है, जहाँ पर बताया गया है कि समस्तीपुर जिले के कुछ भागों में अलग अलग 1 से 3 घंटे में हल्की से मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और वर्षा होने की प्रबल संभावना है। कल ये रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया, जहां पर बताया गया कि कल भी कहां कहां बारिश हुई है। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय खगड़िया जिले के कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिला बेगूसराय खगड़िया इन दो हिस्सों में बारिश थोड़ी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई। IMD के द्वारा ये चेतावनी दी गई है 10 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर आज भी बारिश हो सकती है। कैमूर मुंगेर जिले में भी कैमूर जिले के कुछ हिस्से में बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना है, गर्जन भी है। इसके अलावा बात करें तो बांका भागलपुर जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बारिश। लगातार IMD के द्वारा रिपोर्ट तैयार करके सार्वजनिक किया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में कितनी बारिश हुई है। जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में बीते 5-6 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। बिहार के कई अलग अलग हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन वहीं अगर पटना के कहीं कहीं जगहों पर हल्की बारिश तो हुई है। मौसम सुबह से ही धूप वाला था, धूप दिखाई दे रहा था, लेकिन दोपहर के समय थोड़ी बादल जरूर छाई थी। जब आज का मौसम देखते हैं तो आज भी वैसा ही मौसम है, थोड़ी बहुत थोड़े थोड़े देर में बादल छाई रहती है। लेकिन पटना के अलावा बिहार की कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर हल्की बहुत बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 12 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक बिहार भर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। मौसम विभाग के द्वारा ये डेटा तैयार करके लगातार बताया जा रहा है और ये मौसम विज्ञान केंद्र पटना की रिपोर्ट है। पटना की रिपोर्ट 10 घंटे पहले अपडेट जारी किया गया था, 22:53 यानी कि लगभग 11 बजे के आसपास, और 11 तारीख यानी कि आज तक के लिए रिपोर्ट मान्य है। आज तक बारिश हो सकती है, मौसम विभाग के द्वारा लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है, जहां पर बताया भी जाता है कि इस मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि आप खुले में हैं तो शीघ्रताशील किसी पक्के स्थान पर चले जाएं और शरण ले लें, यानी पक्के मकान में शरण ले लें। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसान अपने खेतों में ना जाएं, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। इस मौसम की विस्तृत तथा अध्ययन जानकारी के लिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वेबसाइट या फेसबुक या फिर ट्विटर पेज पर जाकर आप जानकारी इकट्ठा कर लें। यही ट्विटर हैंडल है, यानी कि एक्स हैंडल है, जहां पर हम आपको जानकारी दे रहे थे। यहां पर IMD के द्वारा लगातार रिपोर्ट अपडेट किए जाते हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता रहे थे कि बिहार में अभी मॉनसून कमज़ोर है, लेकिन 12 से 14 सितंबर के दौरान मॉनसून एक्टिव होगा और बिहार के काफ़ी हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।